गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है। कोई बोल रहा है कि इंसुलिन का वजह से होता है, कोई बोल रहा है कि आपका खराब लाइफस्टाइल का वजह से होता है, कोई बोलता है कि डायबिटीज सही नहीं होता है। पर आयुर्वेद क्या बोलता है, हमारे माधव बाग में कैसे ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा एक वीडियो हम आज बना रहे हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा, और आप इसमें से कोई आपको डाउट निकलता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। बेसिकली मैं आज दो डायबिटीज जो है टाइप 1 टाइप 2 उसके बारे में बात करेंगे। जो गेस्टिनल डायबिटीज है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम आता है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जो टाइप 1 डायबिटीज है उसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, क्योंकि जो उसका जो एज ग्रुप है वो छोटे बच्चों से लेकर छोटे बच्चों में ही होता है। मैक्सिमम उसका जो एज लिमिट होता है 18 से 20 तक ही रहता है। उसके बाद जो एज ग्रुप अफेक्ट होते हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि वो लोग टाइप 2 डायबिटीज में अफेक्टेड हो। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन का डिफॉर्मिटी हो, इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है, उसको ठीक करना मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, उसको हम बस मैनेज कर सकते हैं। पर जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन का प्रॉब्लम है, ये सही नहीं है। बहुत टाइम ये होता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन सही होने का बावजूद फिर से ये शुगर लेवल बढ़ता हुआ जाता है। तो क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो सेल होता है और जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक एनाबोलिक हार्मोन होता है जो कि कंस्ट्रक्शन करता है। शुगर क्या होता है, आपका बॉडी में जाके आपका बॉडी को, आपका जो सेल्स है उसको एनर्जी देता है। तो ये जब शुगर जा रहा है, उसको जाने के लिए एक की का जरूरत होता है, और वो की का काम करता है आपका इंसुलिन। और जब आपका सेल में उस की को एग्नेस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज हम बोल सकते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में डिफरेंशिएट करने के लिए आप सी पेप्टाइड कर सकते हो। सी पेप्टाइड में आपको पता चलेगा कि आपका ये टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। आपका टाइप 2 डायबिटीज है तो ये सेल का रेजिस्टेंस को कम करके हम आपका डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। जिन लोगों का फैट बहुत बड़ा हुआ है और डायबिटीज है, तो 95% या 99% चांसेस है कि उनका विसेरल फैट को कम करके, वो सेल में जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है उसको कम करके हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। उसके लिए हम बहुत सारे डाइट फॉलो करते हैं जिसके वजह से आपका डायबिटीज में रिवर्स होता है। हम क्या करते हैं, हम डाइट का मतलब हेल्प लेते हैं, उसके साथ साथ मेडिकेशन लेते हैं, और उसके साथ पंचकर्मा का कुछ प्रोसीजर्स करते हैं जो कि जाके सेल में जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है उसको कम करता है, और पेशेंट को रिजल्ट मिलना सही चलना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको एक इन शॉर्ट बता देता हूँ, जो लोग डायबिटिक है वो अपना लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपना डाइट को ठीक करके अपने डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से जाए तो बिफोर 1000 ईयर्स से को जो वो लोग बताए हैं वो सही बताए हैं, और आप उसको ही फॉलो करके अपना डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। ये बोलता है, आयुर्वेद में बोला गया है कि अस्य सुखम स्वप्न सुखम नवार्ण गुड़ भोजनम ग्रामोदक पानम, ये सारे रीजंस होते हैं डायबिटीज के। अस्य सुखम और स्वप्न सुखम क्या है, जो घर में बैठता है, कोई काम नहीं करता है, रेस्ट करता है, पूरी दिन भर बाहर नहीं निकलता है, उसको डायबिटीज होने का चांसेस है। अस्य सुखम हो गया, स्वप्न सुखम हो गया। नवार्ण गुड़ भोजन, जो नया चावल लेते हैं, जो हमारे चावल निकलते हैं, जो नया चावल होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो ज्यादा होता है, जो नया चावल लेता है उसको भी डायबिटीज होने के चांसेस है। उसके बाद आता है ग्रामोदक पानम, मतलब उसमें जो ठंडाई होता है, जो आपको मतलब लस्सी वगैरह होता है, जो मतलब गांव में जो बनता है, वो जो ज्यादा अमाउंट में लेता है उसको प्रमेह का चांसेस है।
प्रमेह डायबिटीज ऑल्दो सेम नहीं है, अलग अलग चीज है, प्रमेह का पूर्व रूप जो है उसका डायबिटीज में आ जाता है, तो प्रमेह ठीक हो सकता है तो डायबिटीज आराम से ठीक हो सकता है। डायबिटीज का पूर्व रूप, प्रमेह का जो पूर्व रूप है वो डायबिटीज में आता है, डायबिटीज में उसमें कर्प आता, दाह वगैरह आता है, तो डायबिटीज आराम से ठीक हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको प्रॉपरली डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, आपको मेडिसिन को फॉलो करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपका पंचकर्मा को 100% आप सही से फॉलो करते हो तो हम आपको रिजल्ट 100% दे सकते हैं। एक छोटा सा टिप, जिन लोगों को डायबिटिक्स है वो लोग पहले जो नया चावल ले रहे हैं उसको बंद करना होगा और अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करके प्रोटीन और फाइबर इंटेक को बढ़ा के आप डायबिटीज को ठीक कर सकते हो। और आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो और आप ओडिशा से हो तो माधवबा क्लिनिक भुवनेश्वर में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो और आगे का डिस्कशन, आपका डायबिटीज का रिवर्सल जो जर्नी है मैं आपके लिए प्लान करूंगा और आपका डायबिटीज को रिवर्स करके देंगे। तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।